जो करके बोली है यीशु का मां, माखन और मिश्री ले जाए। और जवाब दिया है जसोदा ने लाला, दिल समझाने के लिए लाली कोई कीमत दे दे जइयो, इस तरह से जसोदा बोली लाला थोड़ा सा माखन ले जाओ, ये सोदा को माफ कर देना और कोई प्रेम चिन्ह हमें देते जाओ जिससे मैं अपने हृदय के टुकड़े को तसल्ली बता दूं। भगवान कन्हैया ने जैसे ये बात सुनी तो जवाब दिया, मैया तू कैसी बातें कर रही है, ये सारा संसार मेरा रेडी है लेकिन हे यशोदा मां मैं तेरा रेडी हूं, सारे संसार की संपत्ति लाकर तेरे चरणों पर रख दूं, मैं अपने शरीर की चमड़ी उतरवा कर तेरे हाथ पैरों की मोजड़ी बनवा दूं, फिर भी ये कृष्ण तेरे ऋण से कभी उद्धार नहीं हो पाएगा मैया। और ये बात सत्य है भाइयों, जो पुत्र अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि जिन माता पिता ने बड़े कष्ट सहन किए, बड़े दुख उठाए, मेरा तो कहना यही है भाइयों कि माँ बाप से बढ़ के कोई दूजा नहीं खजाना, दुखाना
जेब में पूजा रही खजाना जिसने तुझे जन्म दिया रे लिपटा दही दुखाना कन्हैया बोले माता कर्जदार रहेगा एक बार नहीं मैया सौ बार इस पृथ्वी पर मैं जन्म लेके आऊं लेकिन फिर भी ये कृष्ण तुम्हारा रेडी रहेगा तू मुझे अब आज्ञा दे दे मां मैया दे आज्ञा हमें अब मत करे इस तरह से मैया जसोदा के शरणों का स्पर्श किया है और भगवान कृष्ण रथ में बैठ गए।